डॉक्टर सैयद बायोलॉजी क्लासेस इंडिया बेस्ट बायोलॉजी क्लासेस फॉर क्लास 11th एंड 12th एज वेल एज कॉम्पिटेटिव एग्जाम लाइक नीट। क्या आप भी चाहते हैं डॉक्टर बनना, वो भी पहले ही अटेम्प्ट में? तो आज ही ज्वाइन कीजिए डॉक्टर सैयद बायोलॉजी क्लासेस और कीजिए अपने ख्वाबों को पूरा, वो भी बहुत कम फीस के साथ, जहां आपको नीट के एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ नीट की डिटेल तैयारी करवाई जाएगी। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन टीचिंग विद एनसीईआरटी स्पेशल नोट्स, हर क्लास के बाद टीपीएस, रेगुलर टेस्ट और डाउट सॉल्विंग सेशंस। एनरोल नाउ इन सैयद बायोलॉजिकल क्लासेस। फॉर रजिस्ट्रेशन कॉल और व्हाट्सएप ऑन 9011633248। आज 17 जून को परभनी शहर के जमजम कॉलोनी जो कि 23 नंबर प्रभाग, ये नए जो अभी रचना हुई है इसमें ये 23 नंबर का प्रभाग है और लगभग ये पूरा के पूरा एक नया प्रभाग बना है, क्योंकि अभी तक भी यहाँ रहने वाले लोगों के नाम मतदान यादी में नहीं थे, लेकिन यहाँ पर तारीफ़ करनी होगी इस प्रभाग के भावी नगर सेवक सैयद मुजम्मिल और इनकी पूरी टीम की, जिन्होंने परभनी विधानसभा के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, विवेक नवेंद्र साहब और तमाम शिव सैनिकों के साथ मिलकर इस प्रभाग के अंदर जो नए काम किए हैं, लोगों के नाम डाले गए हैं और आगे भी जो काम हो रहा है पूरा के पूरा आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनके नेतृत्व में हो रहा है। हमारे साथ शिवसेना संपर्क प्रमुख डॉक्टर विवेक नवेंद्र साहब हैं, उनसे बात करते हैं, क्योंकि आज एक हिजामा कैंप का आयोजन प्रभाग 23 में जमजम कॉलोनी सैयद मुजम्मिल और इनके तमाम दोस्तों ने मिलकर किया है। डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, जो काम सैयद मुजम्मिल यहाँ पर कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कि आपके एक नया मुस्लिम चेहरा यहाँ से मिल सकता है शिवसेना को और इनके साथ में जो दूसरे लोग रहेंगे वो भी, और जो आज हिजामा का कैंप है, दूसरे भी कई कैंप उन्होंने यहाँ पर लगाए थे, क्या कहें? सही बात है, यहाँ पे सैयद मुजम्मिल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये पुराना 12 नंबर समझता हूँ मैं और अभी नया 23 नंबर प्रभाग है और काफ़ी प्रभाग ऐसा है जहाँ की बहुत भौतिक सुविधाएँ बहुत कम हैं और इसलिए हमारा इसके ऊपर विशेष ध्यान है कि परभनी शहर के कोने में कोई भी बस्ती हो, शहर के बीचों बीच हो, शहर के बाहरी इलाके में हो, कहीं पर भी भौतिक सुविधाओं की कमी ना रहे। तो लोकल बॉडी का ये काम रहता है कि उनका पूरा जो भी सुख सुविधा के साधन हैं, उनको जो रोज़मर्रा में लगने वाली चीज़ें हैं, उन चीज़ों को सेवा प्रदान करना है उनका काम रहता है। अनफॉर्चुनेटली ये यहाँ हुआ नहीं है और इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा जोर दें, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ काम करें और हमें अच्छा साथी भी यहाँ मिल गया है सैयद मुजम्मिल, इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। इसके पहले भी जो जो हमको उनसे अपेक्षाएँ थी वो हमने की है, पूरी उन्होंने की है और हमने भी उनके लिए जो करना चाहिए था वो यहाँ किया है, इसलिए मैं समझता हूँ कि काम आगे भी अच्छा होगा और ये टीम वर्क है, सब लोग मिलके काम करते हैं। आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब, आपने जैसा सही बताया कि एक अलग दृष्टिकोण से ये काम करते हैं और इसलिए हम सभी लोग उनसे जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छी तरह से आने वाले महापालिका में हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। बाकी सब जनता को यही कहना चाहता हूँ कि जो सच्चे विकास के साथ चलने वाले लोग हैं उन्हें आप पहचानें, जो भविष्य में लंबे समय तक काम करना चाहते हैं उन्हें पहचानें और अपना काम आगे करें, यही मैं अभी अपेक्षा रखता हूँ। आज का कैंप तो बेशक बहुत बढ़िया कैंप यहाँ पे आयोजित किया है, एक एंशिएंट ट्रीटमेंट है जैसा 1400-1500 साल पुराना ट्रीटमेंट है और जैसा आप जानते हैं कि आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, हर तरह का इलाज अभी दुनिया में होता है और ये भी एक बहुत अच्छा कामयाब इलाज है जो यहाँ पे कैंप रखा है। अभी 50-60 पेशेंट यहाँ पे आए हैं, डॉक्टर हमारे जुनेद और डॉक्टर जुबैर यहाँ मेहनत कर रहे हैं उसके लिए और मुजम्मिल को ख़ास तौर पे मैं बधाई देता हूँ कि ऐसे ही कामों से हम जनता के बीच जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा और भी काम करना चाहिए और लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए, तो भगवान आपको भी वही देगा जो आपको चाहिए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ में सलीम खान सरदार खान साहब हैं जो कि लोकश्रेय मित्र मंडल, जो कि अपनी सामाजिक खिदमतों के लिए पूरे परभनी शहर और ज़िले में जाना जाता है, उनसे बात करते हैं। सर, जैसा कि आज ये सैयद मुजम्मिल जो कि भावी नगर सेवक है इस प्रभाग के और काफ़ी मेहनतें वो कर रहे हैं, आज भी हिजामा कैंप रखा गया है, कैसे मुबारकबाद देना चाहेंगे? भैया मुजम्मिल भाई को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम लिए उन्होंने और बहुत ही अच्छा काम किए है वार्ड में
और इसके लिए मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते हमारी तरफ से शुभकामना देता हूँ। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर जुनेद खान हैं, जो कि स्पेशलिस्ट है कपिंग थेरेपी के, और जो ये हिजामा होता है उन्हीं से मालूमात लेते हैं कि ये जो पूरी हिजामा की जो थेरेपी होती है इसके कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं, कैसे इसको करवाते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप तो काफ़ी ज़माने से ये कर रहे हैं, हमने इससे पहले भी कई आपकी मुलाकातें ली है, लेकिन आज जो यहाँ पर इस एरिया में जमजम में जो कि पूरी नई बस्ती है सैयद मुजम्मिल, इनकी ये कोशिशों से कैंप रखा गया है, कैसे उनको मुबारकबाद देंगे और थपिंग ये कपिंग थेरेपी के बारे में क्या मालूम है? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला, बहुत अच्छा लगा जमजम में इस एरिया में आकर। मुजम्मिल भाई की बहुत दिनों से कोशिश थी और काफ़ी दिनों के बाद उन्होंने कहा कि हमारे पास आपकी एक विज़िट होनी चाहिए, और इस एरिया में माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। सुबह से तकरीबन 250 से ज़्यादा पेशेंट हो चुके हैं और काफ़ी लोग आ रहे हैं माशाल्लाह, सबको शिफा भी हो रहा है, और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम सुन्नत है। और आज 17 तारीख है जिन डेट में हिजामा किया जाता है, आज खुशकिस्मती हमारी कि 17 जून भी है, 17 तारीख सुन्नत की भी है और जुमा का दिन भी है, और एक और सुन्नत जिसको अल्लाह के हबीब ने और साहबा ने चांद की डेट में किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह चांद की 17 डेट थी और काफ़ी लोगों को भी शिफा हुआ, और मुजम्मिल भाई की ये कोशिश बड़ी कामयाब रही। हम चाहते हैं कि इस एरिया में हम बार बार आए, और काफ़ी लोगों का यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक़ और ज़ौक है कि वो हिजामा कर रहे हैं, और लेडीज़ के अंदर भी लेडीज़ माशाल्लाह अभी शुरू हो चुकी है जहर के बाद से, और काफ़ी लोग भी नमाज जहर के बाद से तेज़ी से पेशेंट्स आ रहे हैं माशाल्लाह, और उनका भी हमने हिजामा किया। और अल्लाह का करम है, पूरे महाराष्ट्र भर में तकरीबन 11 डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों के कैंप होते हैं, और हर जगह अच्छा रिस्पांस मिलता है, और यहाँ पर भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और तबीयत खुश हो गई है। मुजम्मिल भाई को भी हम मुबारकबाद देते हैं कि ये तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपने सुन्नत तो ज़िंदा की, और साथ ही साथ ये खिदमत का भी मौका है कि सबसे बड़ा दर्जा है खिदमत का, जो सारे नबियों ने किया, मखलूक की खिदमत का जज्बा रखना और मखलूक के लिए हर वक्त अपने आप को हाजिर रखना, ये मुजम्मिल भाई के अंदर बहुत अच्छी सिफत और क्वालिटी है। अल्लाह इनकी सिफत को कायम दायम रखे और बार बार ऐसी ही खिदमत करने का मौका अता करे। जी अस्सलाम वालेकुम। इसी पर बात करने के लिए आज जो हिजामा कैंप का यहाँ पर आयोजन किया गया था, क्योंकि हिजामा की काफ़ी अहमियत है हमारे मज़हब इस्लाम में, क्योंकि हिजामा एक सुन्नत भी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और इलाज भी इसे बताया गया, और ये काफ़ी फ़ायदेमंद है जिस्म की 70 बीमारियों से ज़्यादा इसमें शिफा मिलती है हिजामा करवाने से। और आज इस कैंप का जमजम कॉलोनी यहाँ पर आयोजन इसी प्रभाग थे इसके भावी नगर सेवक सैयद मुजम्मिल और उनकी पूरी टीम के जानिब से किया गया है। सैयद मुजम्मिल से बात करते हैं। मुजम्मिल भाई, आज ये जो कैंप यहाँ पर रखा गया था, कितने ज़्यादा इसको रिस्पांस मिला है और क्या कहना चाहेंगे तमाम लोगों से? आपका प्रभाग अभी 23 है हो चुका है यहाँ पर, जैसे काम अभी तक जो काम नहीं हुए थे आपने यहाँ पर शुरुआत की है, कब तब कहीं जाकर इस पर लोगों का भी ध्यान आया है, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो ये कि आज सुन्नत तारीख है हिजामा की, और हमारे डॉक्टर जुनेद साहब ने कहा कि भाई आज की जो तारीख है इस तारीख पर आप रखो। मैं बहुत दिन से उनके पीछे लगा था कि डॉक्टर साहब हमारे पास में भी हिजामा कैंप रखो, आप एक विज़िट करो बोल के, और बच्चों का भी कहना था कि मुजम्मिल भाई लेकर आओ बोल के, तो आज कहीं जाके फुर्सत मिली और हमारे जुनेद साहब यहाँ पर आए, और लेडीज़ का भी इंतज़ाम हमने किया है हमारे ऑफिस के अंदर संपर्क कार्यालय में। बहुत से लोगों ने शिफा पाई है यहाँ पर, बहुत लोग आए, तकरीबन 250 लोगों की विज़िट हुई यहाँ पर, लोगों ने आके अपना शिफा पाए, उन्होंने अपना इलाज करें, और तो आगे भी कुछ ना कुछ ऐसा चलते रहेंगे। डॉक्टर नाविंदर साहब आए थे हमारे अकरम बाबा, और सलीम इनामदार साहब लोकश्री मित्र मंडल के अध्यक्ष, और सलीम खान साहब लोकश्री शहर अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी आके गए। इन सब का ये जो आ रहे हैं इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और डॉक्टर नाविंदर साहब ने जो अभी हमको खुशखबरी देकर गए कि भाई बहुत जल्द आपके पास में नालों का काम चालू हो जाएगा, और प्रभाग 23 जो है जमजम कॉलोनी, अलीबाग नगर, अजिया नगर और कृषि नगर है, बाबर कॉलोनी है, ये 23 नंबर वार्ड जहाँ तक भी गया है, 23 नंबर ही नहीं बल्कि मैं तो बोलूँगा कि पूरे परभनी का भी काम करने के लिए मैं तैयार हूँ, ऐसा नहीं कि खाली वार्ड का ही बोल के, किसका जो भी काम होगा वो मैं, हमारे अकरम भाई तो और हमारी पूरी टीम, सलीम इनामदार साहब, ये हमारी पूरी टीम मिलके करेंगे। और इंशाल्लाह अभी परसों दिन हमारे सलीम भाई ने जो निवेदन दिए कि नाली और मुरुम का
हम बोल बोल के थक गए थे कि भाई एक नाली का करके दो हमको और मुरुम डाल के दो। हमारे नाबीना माजिद भाई जो पांच टाइम के नमाजी है, उन्होंने सुबह फजर में नमाज़ को जाने के लिए दो मरतबा गिर गए थे नमाज को जाने के लिए, तो उन पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो अब हमारे सलीम भाई पास में गए, हम लोग सलीम भाई ने बोले भाई चलो अपन कर देंगे, बोले मुजम्मिल भाई बोले। तो उस टाइम पे तो मैं नहीं था यहाँ पे, मैं बाहर गया था, लेकिन बाद में हमारे सलीम भाई ने खुद जाके निवेदन दिए और उन्होंने हमको आशा जताई कि मुजम्मिल भाई बोले बहुत जल्दी बोले इंशाल्लाह बोले वहाँ पे मुरुम आ जाएगा बोले। आगे भी आप समाज के अपने परवाह के लोगों के सेवा में रहेंगे, आपके संपर्क कार्यालय के लोग आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, मेरा संपर्क कार्यालय 12 घंटे तो चालू रहता कम से कम, जिसमें से मैं 7-8 घंटे तो यहीं पे रहता, और बाकी टाइम जो है तो नगर पालिका जो कुछ काम रहते लोगों के बाहर के, तो मेरे हिसाब से कॉन्टैक्ट नंबर भी मेरा उस पर ही है, फ़ोन भी कर सकते मेरे को। बिल्कुल, हाँ शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ लोकश्रेय मित्र मंडल के संस्थापक अध्यक्ष सलीम इनामदार साहब हैं, उनसे बात करते हैं। सलीम भाई, सैयद मुजम्मिल ने जिस तरह से इस जमजम कॉलोनी में एक शुरुआत की थी कि जिसमें यहाँ पर गिने चुने कुछ वोट यहाँ पर थे, आज हज़ारों की तादाद में यहाँ पर वोटर्स के नाम आ चुके हैं, प्रभाग में काम भी हो रहे हैं और इनको सपोर्ट भी मिल रहा है, आप जैसे दोस्तों का क्या कहेंगे? सैयद मुजम्मिल ये शख्सियत काम करने का एक उनमें समाज सेवा का एक जुनून सवारे हुआ है, उस जुनून के तहत इस प्रभाग में परिसर में जहाँ जहाँ अड़चन है लोगों की, जैसा बारिश का मौसम में दिक्कत होती है जहाँ पे काम नाली नहीं रोड नहीं रास्ता नहीं, उसके बारे में और यहाँ के तकरीबन लोग जो है तो आज तक मुस्लिम समाज कांग्रेस और राष्ट्रवादी को मतदान देते आया है और मतदान लेते हैं लेकिन काम करते नहीं, और इस परिसर के अंदर जो है तो कुछ भी काम नहीं हुआ था, और जो भी संबंधित नगर सेवक थे यहाँ के लोग जाके बार बार विनती अर्ज कर रहे थे, तो उन लोगों का कहना था कि भाई तो आपके मतदान 14 है 24 है 30 है, हम इधर नहीं ध्यान देंगे, हमारा पुराना वार्ड है उधर पहले ध्यान देना है। उनका भी एक हिसाब से सही था कि उधर से उनको वोट ज़्यादा मिला, वहाँ काम नहीं करते हुए नई बस्ती में काम करे, वो वहाँ की जनता भी उनको मतदाता नाराज़ होंगी, उनके लेवल पर उन्होंने सही थे, लेकिन शहर के हिसाब से यहाँ भी लोगों को तकलीफ थी, उस तकलीफ़ में इन्होंने बारिश में घूमकर जहाँ जनता की जो अड़चन रहती है उसको बखूबी के अंदाज़ दिया, और आज जो है मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1400 साल पुरानी जो सुन्नत है हिजामा, वो हिजामे का जो कैंप रखा गया, ये कैंप में कई लोगों को शिफा हुई, मुफ्त में रखा गया, लोगों का फ़ायदेमंद हुआ, लोगों को अच्छा लग रहा, जिनको पीठ में दर्द था, जैसा कमर में दर्द था, पैर में दर्द था, इसमें था या चमड़ी का रोग था, वो लोगों को अभी राहत मिल रही है। दूसरी बात ये महिलाओं के लिए भी सुविधा रखे, उनका कार्यालय 8 घंटे चालू 12 घंटे है, उसमें से जो भी जो प्रभाग में जो भी अड़चन है उनसे जो भी हो बन पाता वो कर रहे, उनकी टीम उनको सहयोग कर रही है, एक काबिल तारीफ काम है, और ऐसे बढ़ते हुए नौजवान को लोगों ने भी साथ देना चाहिए। और आज जैसे डॉक्टर विवेक नौंदर जैसी शख्सियत यहाँ अपने जैसे एरिया में आके हिम्मत अफजाई करते हैं और दूसरे जो भी सपोर्टेड लोग हैं सब करते हैं, ये बड़े खूबी और अच्छी बात है, लोगों ने भी आने वाले हालत में सैयद मुजम्मिल जैसी शख्सियत को साथ देना चाहिए। खिदमत खल्क ही खिदमत खुदा है, इसी जज्बे को मद्देनज़र रखते हुए प्रभाग 23 जमजम कॉलोनी के भावी नगर सेवक सैयद मुजम्मिल, इन्होंने हिजामा कैंप का यहां पर आयोजन किया था जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोगों ने इस कैंप से शिफा हासिल की है, इसका फ़ायदा उठाया है, और ख़ास बात है कि महिलाओं के लिए ख़वातीन के लिए भी इसका इंतज़ाम किया गया था जिसमें लेडीज़ जो हिजामा स्पेशलिस्ट है उनको यहाँ पर बुलाया गया था, और एक कुल मिलाकर एक अच्छा काम यहाँ पर प्रभाग 23 के भावी नगर सेवक सैयद मुजम्मिल और पूरी टीम की जानिब से होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी सराहना खुद पूरे ज़िले के नेता भी कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि सैयद मुजम्मिल को इस प्रभाग के लोग कितना ज़्यादा साथ देते हैं और उन्हें 2022 की काउंसिल में कॉरपोरेटर बनाकर परमानेंट यहाँ पर लोगों की सेवा करने का मौका देते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम कुरेश। हेलो, वेलकम टू डॉक्टर सैयद बायोलॉजी क्लासेस, इंडियाज बेस्ट बायोलॉजी क्लासेस फॉर क्लास 11th एंड 12th एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक नीट। क्या आप भी चाहते हैं डॉक्टर बनना, वो भी पहले ही अटेम्प्ट में? तो आज ही ज्वाइन कीजिए
डॉक्टर सैयद बायोलॉजी क्लासेस और कीजिए अपने ख्वाबों को पूरा, वो भी बहुत कम फीस के साथ, जहां आपको नीट के एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ नीट की डिटेल तैयारी करवाई जाएगी। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन टीचिंग विद एनसीईआरटी स्पेशल नोट्स, हर क्लास के बाद पीपीएस, रेगुलर टेस्ट और डाउट सॉल्विंग सेशंस। एनरोल नाउ इन सैयद बायोलॉजिकल क्लासेस। फॉर रजिस्ट्रेशन कॉल और व्हाट्सएप ऑन 9011633248।